गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए हम लोग देखते हैं आज पोल्ट्री सेक्टर में यूज होने वाले कुछ इक्विपमेंट का थोड़ा चित्र भी देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे भी, उसके बाद समझ में आ जाएगा। नेस्ट बॉक्स, देज आर यूज टू गेट क्लीन एग्स एंड टू एवॉइड फ्लोर एग्स इन लेयर्स, मतलब अंडा को रखने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं नेस्ट बॉक्स, है ना। इसमें अंडा रखा जाता है, बस इतना ही जानिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्या रखा जाता है इसमें? अंडा रखा जाता है, नेस्ट बॉक्स। दूसरा यहाँ पर क्या है? लीनियर फीडर, यूज्ड टू गिविंग फीड मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड वायर। ये क्या है? वायर से बना हुआ है, गैल्वेनाइज्ड वायर से बना है, ठीक है। तो गिविंग फीड मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड वायर, इसको बोलते हैं लीनियर फीडर, लीनियर फीडर बोलते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक फीडर है यहाँ पर, ये वाला लीनियर फीडर है। मतलब लीनियर फीडर का मतलब क्या है कि ये आपका लीनियर फीडर है, गैल्वेनाइज का बना हुआ, अब ये ऑटोमेटिक फीडर है, ठीक है। चलिए ऑटोमेटिक फीडर हो गया। वेटिंग बैलेंस, वजन तो तौलने के लिए है, पोल्ट्री कितना वजन का है उसको तौलने के लिए। बिग टीमर मशीन, पिछले वीडियो में मैं बिग टीमर के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन ये मशीन का चित्र नहीं दिखा पाया था किसी कारणवश। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो अभी आपको ज़रूर याद आया होगा कि मैंने बोला था दिखाने के लिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाया था उस टाइम। तो बिग ट्रिमर देख लीजिए, इसको बिजली से जोड़ा जाता है और यहीं पर पोल्ट्री को रखा जाता है और अचानक से उसको कर दिया जाता है, कट से गर्म करके काट दिया जाता है, तो उसका जो चोंच होता है वो कट जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक बेल टाइप ड्रिंकर, ये पानी पीने के लिए है, बेल टाइप ड्रिंकर है, इसमें पानी ऑटोमेटिक आता है पाइप के द्वारा से, ठीक है। वैक्सीनेटर ट्यूब है यहाँ पर, ये वैक्सीनेशन ऑटोमेटिक वैक्सीनेटर ट्यूब है, ठीक है। इसके बाद क्या है? निप्पल एंड पेन ड्रिंकर, निप्पल एंड पेन ड्रिंकर मतलब जो छोटे छोटे चूजे होते हैं उनके पानी पिलाने के लिए यह निप्पल बना हुआ होता है, इसी से लोग पानी पीते हैं। इनक्यूबेटर मशीन होता है, अंडा का एचर सेटर इसमें बना होता है। वॉक इन इनक्यूबेटर टनल टाइप इनक्यूबेटर, ठीक है, वॉक इन इनक्यूबेटर टनल टाइप इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर में सेटर और हैचर दोनों होता है। कैंडलिंग मशीन है, कैंडलिंग मशीन का मतलब अंडे को हम लोग चेक करते हैं कि वह अंडा सही है या ख़राब हो गया है, फर्टाइल है कि नहीं है। ड्रिंकर मेड अप ऑफ प्लास्टिक है ना, ड्रिंकर क्या है? मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वाटर बेसन, वाटर बेसिन मेड अप प्लास्टिक, ठीक है। पेन एंड जार टाइप ड्रिंकर, पेन एंड जार टाइप ड्रिंकर, पेन एंड जार टाइप, ठीक है। उसके बाद हावेवर्स, हावेवर्स रिफ्लेक्टर, हावेवर्स मैनुअल ड्रिंकर, ये आपका मैनुअल ड्रिंकर है, इसमें आप अपने हाथ से पानी भर सकते हैं अपने पोल्ट्री को पिलाने के लिए। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है? इसमें गर्मी के मौसम में स्प्रिंकलर का यूज़ किया जाता है, इसमें पानी रहता है पाइप में और इसको घूमते रहता है और हल्का फव्वारा टाइप से पानी गिरते रहता है नाम मात्र के लिए, तो ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। रेक क्या है? ये लीटर वगैरह जो रहता है उसको उठाने का काम आता है, ठीक है। मतलब पंजा कहीं अगर देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, पंजा किसी भी चीज़ को उठाने में मदद करता है, तो लीटर वगैरह को उठाने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, ये क्या है? ब्रूडर मतलब बल्ब वगैरह लगा दिया गया है ताकि उनको टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। सर्कुलेटरी फीडर, सर्कुलर फीडर मतलब इसमें दाना खिलाने के लिए है, या मैनुअल है, इसमें हाथ से आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद स्टोव है, मतलब ठंड के मौसम में टेम्परेचर प्रदान करने के लिए है, ठीक है। चारकोल स्टोव है ना, अरे भैया कहने का स्टोव है, मिट्टी का पात्र बना हुआ है, उसके अंदर में आग डाल दिया गया है, वो हीट है, वो जिस चूजे को ठंडा लग रहा है उसके पास जाएगा, जिसको गर्मी लग रहा है वो भागेगा, बस इतना ही है। चलिए इतना ही बताना था, बहुत समय से सोच रहा था बता दिया जाए, समय नहीं मिल पा रहा था, मैं बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट तक देखें, कुछ समझ में नहीं आया होगा थोड़ा कमेंट में मार देना, 2-4 लाइन इधर लंबा चौड़ा जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू बने रहिए।